और अब मैं चलती हूँ हिना की तरफ, हिना भी बताएंगी कुछ। अब तोप का रुख मेरी तरफ, रुख इधर हो गया। हाँ भाई हिना, बड़ी सिंपल सी चीजें, ख्याल रखती है वैसे आप अपना? हाँ हाँ हाँ। तो क्या क्या है से, अगर मैं डाइट की बात करूँ तो मैंने खाना खाने का शौक है, तो आई ईट एवरीथिंग, लेकिन जब मुझे हेल्दी खाना है अगर तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बहुत इजी टू मेक भी हैं और इजीली अवेलेबल भी होती हैं। अच्छा, इसमें सरे फेरिस्त है फल और वेजीज। खाती हैं आप शौक? हाँ मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बाज़ दफ़ा रॉ वेजीज भी खा जाती हूँ, और जिसको कहते हैं ना सैलड में भी आई प्रेफर क्यूकम्बर्स बिकॉज बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं। आपकी स्किन तभी अच्छी है भाई, आप वो जो आप खाते हैं वो नज़र आता है। आपको हाइड्रेटेड भी गर्मी में रखते हैं क्यूकम्बर्स। उसके अलावा मैंगो में एक ये जैसे मिसकंसेप्शन है, ठीक है मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं अगर उनकी शुगर हाई होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ना उतने ज़्यादा आम खाएं, लेकिन क्योंकि इट्स अ सीजनल फ्रूट, ना सिर्फ खाएं अगर इसको चेहरे पर भी लगाएं ना, तो शाइन ही कुछ और, एंड इट स्मेल्स सो अमेजिंग कि आपको अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल शाइन। आपके पास क्या क्या टिप्स हैं आपकी, जो आप राज आज? देखिए बड़ी वही सिंपल सी चीज़ें मैं समझती हूँ हम सबके ही पास कॉमनली पड़ी नहीं है इस वक्त। प्रोटीन्स आप ज़रूर लीजिए, वो भी आपके लिए, और जैसे आमंड्स खाएं आप, वो देखिए आपकी स्किन को भी अच्छा रखते हैं, आपकी आइज़ के लिए भी अच्छे होते हैं। नट्स कोई से भी हो, लोग कहते हैं ना नहीं 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 इतना ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना, इससे शायद पिंपल्स निकल आएंगे। एक मुट्ठी खाने चाहिए बस, मुट्ठी खाएं मुट्ठी में जितने आ जाए, इट्स अ हेल्दी स्नैक, बजाय इसके कि आप कोई उस वक्त फालतू चिप्स या बिस्किट्स खा लिए आपने, बहुत बेहतर है कि आप बादामी दो चार खा लें। सही। फिर अगेन वो चीज़ अभी यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन चिया सीड्स आर वेरी गुड, ओमेगा थ्री उसमें होता है, बहुत सारी चीज़ें। लाइकवाइज जैसे अब मैं वेजीज की तरफ अगर आऊँ तो ग्रीन चिलीज, लोग कहेंगे हाय हरी मिर्च कौन खाता है, लेकिन खाने में कोई एक से दो शामिल आप जरूर रखें, इसमें भी एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं, विटामिन ए भी है, सी भी है, ठीक है, और बेतहाशा चीज़ों के लिए, योर लंग्स, आपका सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर चीज़ के लिए ये अच्छी है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मतलब वेजीज और फलों की तो ये क्वालिटीज़ हैं। लेमन जो है यहाँ पे रखा हुआ, अगेन बहुत अच्छा स्किन शाइनर, लेकिन ये स्किन को ड्राई भी करता है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें। ऑयली स्किन का जिनको प्रॉब्लम होती है, मैं समझती हूँ इट्स आई वुड टेक ऑयली स्किन एज अ ब्लेसिंग, मेरी है तो मैं आई नो हाउ ब्लेस्ड आई एम, ठीक है। आप इसका मतलब कभी आप अगर सैलून वगैरह नहीं जा पाती तो घर में कुछ ऐसा करती हैं आप अपनी स्किन के लिए? देखिए क्लेंजिंग तो मैं रेगुलर बेस पे करती हूँ। अच्छा, क्या इस्तेमाल करती हैं क्लेंजिंग? कोकोनट ऑयल। ओके। हालांकि मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली अगर हम देखें, डॉक्टर योन एक बड़े अच्छे दो हॉलिस्टिक प्लास्टिक सर्जन, वो सर्जरीज में बहुत कमाल रखते हैं सब कुछ, वो रेकमेंड करते हैं कि नहीं जी कोकोनट ऑयल या ऐसी चीज़ें देर नॉट गुड फॉर द स्किन। अरे नहीं, देखिए उधर वालों के लिए नहीं होगी, इधर वालों के लिए तो है। एशियन जो एक स्किन टोन है ना उसको, वो ये इन सारी चीजों के साथ बड़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये जितना आप यूज करेंगे उतना आपको बेनिफिट भी देगी। आप उसको अपनी चाहे डाइट में यूज करें, देखिए ना मल्टी बेनिफिट बेनिफिशरी है ना एक चीज, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है नारियल का। अच्छा, तो आपको कोकोनट ऑयल से आप मेकअप उतारती? हाँ। फिर कभी आपने कोई मास्क लगाना या कुछ, कोई ऐसा क्या सूट करता है आपको? मुझे तो मैं आपको बताऊं मास्क की अगर बात करें एज सच कोई इतना मेरा फेवरेट नहीं है। अच्छा। हाँ मास्क मैं समझती हूँ बस ठीक है दिल को खुश करने के लिए कर ले। फेस वॉश कौन सा यूज करती हैं? फेस वॉश कोई सा भी रेगुलर मैं यूज कर लेती हूँ, कोई साबुन भी पड़ा हो मैं वो भी लगा, लेकिन उसके बाद मुंह धोने के बाद आई ऑलवेज मेक श्योर कि कोई मॉइस्चराइजर मैंने जरूर अप्लाई किया। कौन सा? चाहे वो मैं आपको बताऊँ, लोग अपने प्रोडक्ट्स को ना देसी प्रोडक्ट्स को उसके बेनिफिट्स को आज तक समझे नहीं है। हाँ। हमारी जो लोकल क्रीम्स भी बाज़ दफ़ा मिलती हैं वो इतनी मैं अच्छी तो होती है। यूज़ करती हूँ। हाँ। ब्लू वाली एक आती है, मैं बोलूंगी नहीं वरना वो ब्रांड नहीं तिब्बत। हाँ आपको मैं बताऊँ वो इतनी अच्छी है, उसकी कोल्ड क्रीम इतनी मजे की, और वो ड्राई स्किन के लिए बड़ी अच्छी क्योंकि वो थोड़ा सा मैट करती है। हाँ वो भी कर देती है, वो तो खैर उसकी स्नो वाली जो आती है वो मैट करती है उसको। जो बड़ा स्कूल जाते हैं तो बड़ा शौक से लगाते थे हम एक टाइम में, लेकिन जो उसकी ब्लू वाली कोल्ड क्रीम है वो जरा सी है थोड़ी सी थिक बेस है उसकी, मगर आप सर्दियों में वो लगाएं, इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन।
आपको जितना भी, क्योंकि देखिए आप गर्मियों में तो नहीं लगाती हूँ, मैं गर्मी में भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, मैं जब भी मुंह धोऊं अपना, वैसे मुंह धोने के बाद मैं भी लगाती हूं मॉइस्चराइजर इज मस्ट, चाहे तो प्रीमैच्योर जो आपके रिंकल्स हैं होते हैं उससे बचाता है। आप देखो ना इनकी स्किन कितनी टाइट है। आई हैव अ क्वेश्चन, आपकी ऑयली स्किन है और आप समर्स में भी मॉइस्चराइजर लगाती हैं तो आपको एक्नी पिंपल्स नहीं आते? हाउ? आई डोंट नो, ये मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है और मैंने ये ट्राई आजमाया हुआ है मेरा कि आप लोग कहते हैं ना ऑयली पे आप और लगाएंगे और ऑयली होगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा। आपकी स्किन मुझे लगता है फिर कम ऑयल उस तरह प्रोड्यूस करती है क्योंकि जब तक उसको नहीं मिलेगा वो अपना करती रहेगी, जब उसको उस चीज की नीड पूरी हो गई तो वो भी उस तरह वो नहीं। और मैं एक और चीज बताऊं आपको रामा, व्हाट आई फील इज के जो एक्ने, एक तो इंटरनली भी कुछ मसले होते हैं वो खवातीन के साथ रहते हैं, अक्सर जब एक्ने का दिखाने के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, जो लड़कियां या लड़के कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके जरूर दाने निकलते हैं और भी ज्यादा ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको भी निकलते हैं। किसी की बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है, किसी को थायराइड का मसला है, बेशुमार उसके रीजन। देखे वुमेन्स हेल्थ पे डिस्कशंस यहां नहीं होते, वुमेन्स हेल्थ नॉट ओनली ओवरऑल आपकी हेल्थ, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स हैं, खवातीन बच्चे भी पैदा करती हैं और भी चीज़ें होती हैं, उनमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में वो बड़ी डिस्कशन नहीं हो, कोई ना पता नहीं है ना, पता है कोई भी चीज़ मालूम, कोई दर्द है या मुंह पे कोई चीज़ निकल रही है, कोई ना कोई उसका रीज़न होता है, छाई पड़ रही है, किसी को दानों का प्रॉब्लम है, किसी को छाइयों का प्रॉब्लम है और छाइयाँ कभी कभार पड़ती रहती है। मैंने अक्सर देखा लोगों को प्रेगनेंसी में पड़ जाती हैं ज़्यादा, मेरी अम्मी को प्रेगनेंसी में हो गई। छाइयों के लिए ना टमाटर बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो टमाटर लगा गए पील 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 तो मॉइस्चर हो जाएगा। अच्छा, और कुछ और क्या लगाती हैं आप इंटरनल के अलावा? मैं वही बात आपको बताई थी, एक्सटर्नल रीजन ये भी होता है कि जैसे आपने गर्मी धूप में कोई मेकअप प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करा तो पिंपल्स आ जाते हैं, एलर्जी, लेकिन वो जल्दी चले भी जाते हैं। आप उसके लिए टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं। अच्छा। उस वो रात ओवरनाइट लगाते हैं आप कभी आपका दाना निकले तो? बहुत रेयर, बहुत ही रेयर, मतलब आप वो है वो नहीं होता है, कर लिया। मैं ख्याल जरूर अपनी स्किन का रखती हूँ लेकिन मैं समझती हूँ शायद अल्लाह का शुक्र है इंटरनली आई एम हेल्दी, मेरा अल्लाह वैसे भी जो हर चीज खाता है ना शख्स, हाँ वो उसको नहीं है प्रॉब्लम्स। मतलब लाइफ वो हर चीज खाता है तो उसकी स्किन बाल सब अच्छे रहते हैं। अच्छा, हर चीज खाती हूँ सिर्फ पोर्शंस कम करना। सुम्बुल इकबाल और सब्सक्राइब करें AOI Original का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।